हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाईफाई स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूं। जैसा कि आपने थंबनेल को रीड किया होगा, देखा होगा कि लेखपाल भर्ती को लेकर के जो है आप लोगों में बेसब्री से इंतजार है कि लेखपाल भर्ती कब आएगी और 11,000 पदों के समक्ष में नए वर्ष पर इसकी सूचना आप लोगों को मिल गई होगा विभिन्न यूट्यूब चैनलों के माध्यम से और न्यूज़पेपरों के माध्यम से। तो ये बात सच्ची है कि 11,000 पदों पर ये भर्ती आपके लेखपाल की होने वाली है। अब आखिरकार कब तक इसका ऑनलाइन आवेदन आप जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेगा, इसके सबसे बड़ी जानकारी आप लोगों के लिए है जो मैं सीधे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आज प्राप्त किया हूँ। आज तारीख, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 10 फरवरी 2020 का डेट है और आयोग ने बताया था कि लगभग 15,000 नई विज्ञापन जारी कर हम भर्तियाँ निकालेंगे, लेकिन आज आपका 10 फरवरी है, इसके संबंध में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली नए एडवर्टाइजमेंट के संबंध में। आखिरकार स्टेनोग्राफर भर्ती के संबंध में क्या जानकारी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले चाहेंगे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल के राइट हैंड साइड पर नीचे आपको लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी भी प्रेस करें ताकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जुड़ी हुई प्रत्येक खबर, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन आपके लिए जो महत्वपूर्ण होगा वो सबसे पहले आपके मोबाइल हैंडसेट पर राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से भेजा जा सके। तो मित्रों, बड़ी चीज़ ये निकल के आ रही है जो आज हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कि लेखपाल भर्ती का जो अभी मामला है वो अब आपका जो संभवता वो मार्च लास्ट तक जाने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ, लेखपाल भर्ती को लेकर के जो जानकारी मिल रही है कि लेखपाल भर्ती आपकी जो है, ये लेखपाल भर्ती आपकी अब लास्ट जो है मार्च या फिर अप्रैल में इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो क्या आखिरकार जो आपका स्टेनोग्राफर का विज्ञापन था वो कब जारी किया जाएगा, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो जानकारी मिल रही थी कि स्टेनोग्राफर का सबसे पहले विज्ञापन आएगा, तो ये बात सच है। स्टेनोग्राफर का विज्ञापन, मैं आपको बता दूँ, अभी तो इस हफ्ते आने की किसी प्रकार की कोई चांसेस नहीं है। हाँ, तैयारी चल रही है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में और इसका अध्याचन भी मिल चुका है। जी हाँ, प्रस्ताव भेजा जा चुका है, आयोग के पास आ चुका है प्रस्ताव स्टेनोग्राफर भर्ती को लेकर के। ऑलमोस्ट 800 से ज़्यादा ये भर्तियाँ हैं स्टेनोग्राफर की। तो हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर के संबंध में, तो स्टेनोग्राफर की जो 800 भर्ती होनी है ये आपका इस सप्ताह नहीं, संभवतः अगले सप्ताह इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी खबर है वो आपकी लेखपाल भर्ती के संबंध में है, 11,000 पदों पर एक भारी भरकम भर्ती। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लेखपाल भर्ती एक बार आपका चकबंदी का तो आ चुका है 2019 फरवरी मार्च इसी महीने में लगभग आया हुआ था और उसका जो है किन्हीं कारणों से जो है जो विज्ञापन वापस ले लिया गया था अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। लेकिन अब जो खबरें मिल रही हैं कि लेखपाल भर्ती जो आपकी चकबंदी लेखपाल के साथ साथ राजस्व लेखपाल की भर्ती, यानी दोनों कंबाइन करके अब आपके 11,000 पदों पर ये विज्ञापन जारी करेगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो लेकिन अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इसके सामने कहीं किसी प्रकार का कोई भी जो है प्रस्ताव नहीं आया है। मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था कि लेखपाल भर्ती को लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं, अभी जो जिलों से जो है वो पूरा ब्यौरा जो है, चाहे राजस्व विभाग को या फिर चकबंदी विभाग को, वहाँ तक अभी जो हेडक्वार्टर पर, यानी लखनऊ हेडक्वार्टर पर भी अभी इसकी जो है पूरी सूचना नहीं मिल पाई है कि किस ज़िले में कितनी वैकेंसियाँ खाली हैं। अब जिलों से खबरें पहुँचेंगी हेडक्वार्टर को, उसके बाद हेडक्वार्टर तरह उसमें पूरी जो है एनालिसिस करने के बाद जो प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजेगा। तो ये विज्ञापन जो आपका है लास्ट में ही आने के चांसेस जताए जा रही है 11,000 लेखपाल के। मित्रों, तो आपको जो है मार्च में ही आपकी विज्ञापन लास्ट मार्च में जारी किए जाने की संभावना है। ये भी हो सकता है कि ये जो आपके आप नए फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल माह में भी जारी किए जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन जो हमें प्राप्त हो रही है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से वो मैं आपके समक्ष रखा स्टेनोग्राफर भर्ती को लेकर के और लेखपाल भर्ती को लेकर के। पूरी जानकारी जो सीधे आयोग से आप तक पहुंचाई गई राहुल वाईफाई स्टडी चैनल के माध्यम से। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो निश्चित तौर पर वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें अपने
जितने भी एजुकेशनल आपके ग्रुप हों, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, प्रत्येक जगह इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।